गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है और मैं उन सब महिलाओं को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी जिन्होंने जिंदगी में एक हिम्मत करी, एक डिसीजन लिया, अपने जिंदगी के बागडोर अपने हाथ में ली और आज कामयाबी के रास्ते वो एक एक मिसाल बन चुके हैं। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आप सब जानते हैं जितने भी देश आज तरक्की के शिखर पे पहुंचे हुए हैं, वहां पे उन देशों में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं और वेस्टीज ने दी है महिलाओं को एक जबरदस्त मौका अपने जिंदगी को अपने टर्म्स में जीने का। मैं सल्यूट करना चाहूंगी मिस्टर गौतम बाली जी को, मिस्टर कन्वर वीर सिंह जी को, मिस्टर दीपक सूद जी को, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, एक मौका दिया फिजिकली फिट रहने का और साथ ही साथ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का। आज न सिर्फ मैं कामयाब हूँ बल्कि वेस्टीज में हजारों हजारों महिलाएं कामयाब हुई हैं और निरंतर होती चली जा रही हैं। मैं थैंक्स देना चाहूंगी मेरे सारे अपलाइंस को, मेरे सारे साथियों को जिन्होंने वेस्टीज पे विश्वास किया, मुझ पे विश्वास किया, हम सब ने एक दूसरे के साथ मिलकर के काम किया और आज इतनी 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 सक्सेस स्टोरीज क्रिएट हो चुकी हैं और आगे भी होती चली जाएंगी। आज आप सबकी सक्सेस स्टोरी इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं ऐसे हजारों लाखों महिलाओं को जिनकी जिंदगी में सपने तो हैं लेकिन कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। उनके पास आशाएं हैं, उनके पास उम्मीदें हैं, वो बहुत कुछ जिंदगी में करना चाहते हैं लेकिन कोई साधन नहीं है। आज आप सबकी सक्सेस स्टोरी उनको कॉन्फिडेंस दिला रही है, एक विश्वास दिला रही है कि वेस्टीज से उनके जिंदगी में भी बदलाव आ सकता है, उनके भी सपने वेस्टीज से पूरे हो सकते हैं। और मैं थैंक्स करना चाहूंगी उन सारे साथियों को जिन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करी और आज मैं दोबारा से सबको यही कहूंगी कि आगे भी अपनी सक्सेस स्टोरीज हमें भेजते रहें ताकि आपकी सक्सेस स्टोरीज ऐसी महिलाओं को कॉन्फिडेंस दिलाए, विश्वास उनके अंदर जगाए और हम ना सिर्फ अपनी जिंदगी बदले बल्कि औरों की जिंदगी को बदलने का भी एक जरिया बने। वेस्टीज परिवार का मानना है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो लेडीज हैं जो पढ़ लिख के सिर्फ घर में खाना बनाती हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, काफी आगे पढ़ाई की हुई है, अगर उन लेडीज में से सिर्फ 5% लेडीज को एक्टिवली हम अपनी इकोनॉमी में ले आते हैं तो हमारे देश का जो GDP है वो डबल हो जाएगा। राइट, सो दैट इज वॉट वी आर वर्किंग ऑन। इन सबको आप जानते हैं बेहतरीन पर्सनालिटीज। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो आदमी लोग हैं उनको कोई ऑफेंस नहीं है, पर लेडीज सबसे बेहतरीन लीडर्स और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बन सकती हैं और हाईएस्ट आमदनी आने वाले टाइम में लेडीज कमाएंगी। आपने यह सवाल तो पूछा नहीं कि क्यों, क्योंकि एक लेडी होती है जिसके पास, औरतों के पास इतना पेशेंस और धैर्य होता है कि एक छोटा सा बच्चा जिसको बोलना नहीं आता, पापा कहेगा बोल पापा, पापा नहीं बोला कहता जा, मां उसके साथ दिन रात लगे रहेगी, बोल मामा पानी पापा, वो पानी को बोलेगा मम्मम जो मर्जी, पर मां उसको करेक्ट कराती रहेगी, यानी कि उसको पूरे अपने आप रूप सब कुछ के अंदर ढाल देती है, जिसको कुछ करना नहीं आता बोलना नहीं आता उसको सब कुछ सिखा देती है। राइट, सो इन लीडिंग लेडीज को हमारा सैल्यूट। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। Wish you well.